इतिहास की एक तरफ एक नजर उठाकर देखने पर हमें बहुत कुछ नजर आता है, क्योंकि इतिहास में अब तक बहुत कुछ हो चुका है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी है जो शायद ही आपको मालूम होगी। तो आज हम आपको इतिहास के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्या आपको पता है कि मध्यकाल में नकली दांतों को कैसे लगाया जाता था? अगर नहीं पता तो जान लीजिए, ये दांत युद्ध में मारे गए सैनिकों के होते थे जिनकी मौत के बाद उनके दांत निकाल लिए जाते थे और वही दांत किसी दूसरे इंसान के लगाए जाते थे। नंबर 10, मेक्सिको के राजा सेंटा एना का युद्ध के दौरान पैर कट गया था और उस पैर के साथ जो किया गया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उस पैर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। नंबर 9, प्राचीन मिस्र में मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए अपने नौकरों के शरीर पर शहद लपेटकर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया जाता था ताकि मधुमक्खियां महल में न जाकर बाहर ही रहें। नंबर 8, 19वीं शताब्दी में जानवरों पर भी मुकदमे चलाए जाते थे। अगर उस समय किसी जानवर से गलती हो जाती तो उस जानवर को भी सजा दी जाती थी। नंबर 7, अगर जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई में हार जाता या पकड़ा जाता था तो उसे कैद नहीं होती थी बल्कि राजकीय सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। इस स्थिति में सेपुकू नाम की रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से अपनी अंतड़ियों को चीरकर शरीर से बाहर निकालना होता था ताकि वे सम्मान के साथ अपनी मौत को गले लगा सके। नंबर 6, रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या करवा दी और उसके सर को अपनी पत्नी के कमरे में रखवा दिया और उस प्रेमी के सर को शराब के जग में रखवाया गया और पत्नी को हर सुबह उसकी शक्ल को देखकर उठने का आदेश दिया ताकि वो हमेशा दुखी रहे। नंबर 5, यूरोप में कुछ जगहों पर 15वीं शताब्दी में मृतकों के शव को खाया जाता था। ऐसा करने के पीछे लोगों की मान्यता थी कि वो अपने रोग से बच सकें। नंबर 4, माया सभ्यता के लोग किसी व्यक्ति को भी मौत की सजा देते समय उनके शरीर से दिल को निकाल लिया करते थे और उसे मार दिया करते थे। नंबर 3, रोम के महाराज कोमोडस ने सभी विकलांग लोगों को इकट्ठा किया और सभी को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए मरने को छोड़ दिया। नंबर 2, सन 1900 के शुरुआती दशकों में तंबाकू कंपनियों का प्रचार ठीक आज की तरह के टूथपेस्टों की कंपनी की तरह होता था और डॉक्टर तंबाकू सेवन के लिए लोगों को उकसाते थे और उस समय लोग तंबाकू का सेवन अच्छा मानते थे। नंबर 1, क्या आपको पता है कि पुरातन रोमन के लोग पेशाब से मुंह धोया करते थे? उनका मानना था कि पेशाब से मुंह धोने से उनकी फेस की त्वचा अच्छी रहेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।